दादी लायक है नहीं, जवान है। जवान है, देख सकते हो बिल्कुल जवान है हमारी अम्मा। और गाना भाई सब बेहतरीन, गा दो गाना, फैन हो जाओगे। अरे बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से अपने एक डोरी से जइयो कहां। भाई हमारी गाड़ी इतनी लेट हो चुकी है ना कि भाई देख रहे हो पानी भी खत्म हो चुका है ट्रेन का। देखो बंदे बाहर से भर रहे, देखो ये देखो भाई इधर चोरी हो गई यार। बंदे का ना सब कुछ लेके भाग चोरी क्या भाई। अरे बंदा ये सामान लेके चढ़ा था, सब कुछ चोरी है। पासपोर्ट वीजा अच्छा इसमें जिसका नंबर सुनो। अरे ओ नो दुनिया कुछ नहीं भाई, क्या क्या चुरा के लेके भाई, सब लेके डायरी में किसी का नंबर लिखा होगा, किसका बैग है उसको फोन करके बता सकते हैं। ये भी चोरी का बैग, बैग चेक करवाना पड़ेगा पुलिस वाले। सैरफ आगे करने पे, सैरफ कहाँ से कर लिखा, अरे सैरफ ने मार दिया, सैरफ बदमाश। सो हे गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, मैं आपका भाई राज इंडियन भाई इस आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। और भाई आज हम जा रहे हैं भाई दिल्ली टू गया, मतलब गया बिहार में पड़ता है। और हमारी ट्रेन है और पहले से ऑलरेडी भाई 3-4 घंटे ट्रेन लेट है, मतलब फॉग ठंड की वजह से। तो देखते हैं और भाई कल कितने बजे, कल सुबह का टाइम है ऐसे 5 बजे पहुंचाने का, और देखते हैं कि कल सुबह पहुंचते हैं या परसों सुबह पहुंचते हैं। तो देखते हैं, बने रहना मेरे साथ पूरे ब्लॉग में, चलते हैं आगे। जाता हूँ ट्रेन आ जाए बस यार, अभी ट्रेन व्रेन आई नहीं है अभी। भाई हम ट्रेन का ऐसे इंतजार कर रहे हैं जैसे लगान में बंदे बारिश का इंतजार कर रहे थे ना, ऐसे हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं भाई। अभी ट्रेन भाई आई, आने का नाम नहीं ले रही भाई, बड़े शान है लोगों का भाई। बहुत लोग तो सुबह आए हुए, हमने तो टाइम देख लिया था, तो भाई थोड़ा टाइम से आए हैं पर फिर भी अभी भी लेट हो रही है। टाइम से ओवर हो गया, जो टाइम दिया था इन्होंने उससे भी ओवर हो चुका है टाइम। तो देखते हैं कि आ जाए बस भाई, पहुँचा दे तभी तो पहुँचाए, पहले हाथ हो जाए। ट्रेन आ गई है भाई बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार करने के बाद। ये देखो ट्रेन वहाँ बोलती है, ये देखना कि खुलती कितनी देर में। 3 तो बज गए आते आते, जबकि 12:50 का टाइम था। अब देखते कितने बजे खुलेगी है। महाबोधि एक्सप्रेस, महाबोधि एक्सप्रेस न्यू दिल्ली टू गया बिहार। अंदर और भाई ट्रेन फाइनली आके अब इसके अंदर चलते हैं। देखो भीड़ भाई गेट पे, चलते हैं अंदर और अपनी सीट पकड़ते हैं। और अभी भी पता नहीं है कि कब खुलेगी भाई। फाइनली 4-5 घंटे रहने के बाद नई दिल्ली छोड़ के यहाँ की तरफ रवाना हो चुकी है। बहुत बोलते हैं हमने कि आइए ना बिहार, आइए बिहार, आ रहे बिहार, चलते हैं गया देखते हैं कि मज़ा आता है। गया भाई गाँव है अपना, ये देखो चलता है। 4 घंटे लेट होने के बाद फाइनली हम अपनी सीट पे बैठ गए और गाड़ी चल चुकी है। और भाई गाड़ी देख लो बैठ चुकी है, हमारी सीट है ये देखो भाई साहब। फाइनली 4 घंटे के बाद ये देखो बाहर का व्यू देख लो, ये हमारी सीट है भाई। और देखते हैं कि कितना लेट होता है, चलते हैं देखते हैं। भाई इधर चोरी हो गई यार, बंदे का ना सब कुछ लेके भाग गया। चोरी क्या भाई, अरे बंदा ये सामान लेके चढ़ा था, सब कुछ चोरी है। पासपोर्ट वीजा अच्छा इसमें जिसका नंबर सुनो। अरे ओ नो दुनिया कुछ नहीं भाई, क्या क्या चुरा के लेके भाई, सब कुछ लेके डायरी में किसी का नंबर लिखा होगा, किसका बैग है उसको फोन करके बता सकते हैं। ये भी चोरी का बैग, बैग चेक करवाना पड़ेगा पुलिस वालों से। बैग छोड़ के चला गया वो जो चोरी करके गया। कहाँ पे रख दिया था बैग भैया, इसलिए पासपोर्ट दिया है उसको। अब ये अब देखिए वो हमको भी, हम लोग भी छोड़ देगा। अरे रुको ये लग रहा है वो पैसेंजर A2 में गई है लड़की सब, कहीं उसका तो नहीं है। देखिए वीजा की कट B1 में उसका B1 नहीं यार, ये तो हिंदी, ये तो हिंदुस्तान है, वीजा है, वीजा पासपोर्ट है। परमेश्वर सा देखो तो मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, आपका नहीं है ना ये। तो आप ज्यादा पूरे तो नहीं, इसको बंद करो, देखो पुलिस को बुला, पुलिस को बुला दो, पुलिस को पुलिस चेक कर। ये आपका वीजा पासपोर्ट नहीं है? नहीं नहीं मेरा नहीं है, नहीं ये किसी और का है, ऐसा है ये छोड़ दिया इसका जगह। पुलिस आरपीएफ वालों को बुला के चेक करवा लो, आरपीएफ वालों को। ये देखो गाइस हमें टाइम पास मिल गया भाई साहब, मतलब इसकी वजह से थोड़ा टाइम पास हो रहा है, ऐसे लेट चल रही है गाड़ी बहुत। यार ये लड़का मिला है, ये तवांग से आ रहा है, बोध गया जा रहा है, मतलब बुद्ध भगवान के दर्शन करने, और इनकी पूरी फैमिली है, इसकी वजह से टाइम पास हो रहा है।
फोटो खींचने आ रही मैं इसके इसको लग रहा वीडियो बना रहा ना प्यार बड़ा ही टाइम पास कर रहा है मतलब मजा आ रहा है इसके साथ ये देखो भाई भाई बड़ा ही क्यूट बच्चा है यार बताओ कमेंट में बताओ कितना बहुत ही ज्यादा क्यूट है कमेंट में कमेंट करके बताओ कि क्यूट है कि नहीं देखो ये पूरी फैमिली है इनकी सब दर्शन करने जा रहे हैं ये सारे भाई ये देखो सारे दादा हाँ जी सब पूरी फैमिली हाँ हाँ भाग भाग गया फोटो खींचने आया था फैमिली फैमिली भाई सारे जा रहे हैं बहुत गया औलाद बहुत गया तो ऐसे चलते हैं ऐसे सफ़र कट जाएगा ट्रेन काफ़ी लेट है तो अब ऐसे ही टाइम बिताना है सबसे मिल जुल के हंसते बोलते तो चलते हैं और बने रहना मेरे साथ अभी और आ जा क्या नाम है तवंग से आया ये लोग तवंग नहीं तवंग आई नो इसका नाम क्या है अच्छा अच्छा जगह ये भी बना रहा है ये भी कर रहा है चले अरे यार बहुत ही ज्यादा क्यूट है यार चल दिखाते आजा आजा फोन दे ऑन क्या फोटो की फोटो दिखा 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 लो दिखा जल्दी दिखा लो दिखा 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 मैं फोटो दिखा फोटो दिखा तो नोटी क्या है भूल भुलैया भूल भुलैया हाँ गाना आ रहा है गान में अरे आ रहा है नहीं आ रहा आ रहा है आ रहा है आ रहा है किसके बाबू है जी नहीं अपना ही है कहाँ चढ़ रहा है बदमाश बदमाश शरफ मुर्गा चिकन चिकन खाएगा चिकन नहीं खाएगा यार क्या खाएगा फिश मछली अब आ गया मेरे कंधे पे सैरफ 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 आ गया कंधे पे सैरफ कहाँ से कर लिखा और सैरफ ने मार दिया सैरफ बदमाश आ गया तुझे पता है सैरफ बदमाश देखिए मॉर्निंग गाइस भाई सुबह हो चुकी है और सुबह हो चुकी है और हमारी गाड़ी 8 घंटे लेट चल रही है और फिर रात को आपने देखा था कैंटीन वाला सीन यार ये सीन अंदर तो रिकॉर्ड नहीं कर पाया पर वो दिखाया था मैंने कि मतलब कैसे मतलब ये लोग ऐसे करते हैं मतलब 130 वाली थाली 180 रुपये में और बिल मांगा ना तो भाई कह रहे कि ये स्पेशल थाली है तो अगर 130 वाली चाहिए तो दूसरी है ऐसे वैसे तो फिर हमने कहा कि वो ले आओ तो भाई वो लाने के बहाने भाई फिर कह रहे कि भाई ख़त्म हो गया है तो हम भाई कैंटीन में गए तो भाई ऐसे से मैनेजर से बात की कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है जब हमने ऑर्डर दे दिया था 5 बजे तो हमें तो चाहिए तो चाहिए तो फिर इन्होंने भाई ऐसे समझा मैं कहा भाई नहीं तो हम ट्वीट कर रहे हैं रेलवे को तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है हम करवाते हैं फिर भाई लास्ट में इन्होंने 130 में सेम थाली दी सोचो यार 50 रुपये एक बंदे से ले रहे कैसा स्कैम कर रहे मतलब 50 रुपये एक बंदे से सोचो कितने बंदे हैं ट्रेन में समझ रहे हो भाई समझ सकते हो कितने कितनी कमाई मोटी कमाई हो जाती है तो भाई इसलिए और अभी भाई अभी देख रहे हो सुबह मतलब हमारी गाड़ी 8 घंटे लेट चल रही है 8 घंटे लेट है हम और मतलब किस वजह से लेट है पता है इतना ज़्यादा फॉग है ना मतलब जैसे कछुआ चलते हैं ना ऐसे चल रही है हमारी गाड़ी ये देखो कितना फॉग है देखो फॉग की वजह से नॉर्थ इंडिया में यार इस वक्त ना फॉग बहुत हो रहा है और यार देखो मतलब रुक रुक के चल रही है गाड़ियाँ फॉग का कहर नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा है तो यार अभी हम हैं इलाहाबाद प्रयागराज पहुंचने वाले हैं पहुंचे नहीं हैं जबकि भाई अभी तक हमें मतलब गया पहुंच जाना चाहिए था 3-4 बजे का टाइम था पर अभी 6:30 बज गए तो देखते हैं कब पहुंच जाते हैं मैं इसलिए कह रहा हूँ 8 घंटे लेट क्यों भाई क्योंकि अभी पहुंचना चाहिए था अभी इलाहाबाद से भी पीछे और इलाहाबाद से 6 घंटे लगते हैं और अभी देखो हमें नहीं पता कि कहीं शाम ना हो जाए सुबह तो हो ही गई है
7 बज गए हैं, अब देखो कहीं रात ना हो जाए, आज पूरा दिन ना बिता दे, तो देखते हैं, बने रहना मेरे साथ सफ़र में, चलते दिखाते हैं भाई नॉर्थ इंडिया की। अभी लेट, ये तो यार नॉर्मल ट्रेन है, VIP ट्रेन, राजधानी राजधानी जब इतनी लेट हो रही है 15-15 घंटे 16-16 घंटे, तो फिर तो ये तो महाबोधि है यार, ये भी लेट है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। नॉर्थ इंडिया में इस वक्त फॉग की वजह से बहुत ही गाड़ियाँ लेट हो रही है, तो हम इसमें रेलवे को भी कुछ नहीं कह सकते यार, हमारी सेफ्टी वैसे धीरे धीरे चल रही है, क्या कहे। चलो चलते हैं, चलते हैं अंदर, मन करते हैं, ठंड लग रही है यार, चलो ज़्यादा ठंड लग रही है। आया उतारो, उतरेगा आया, आया नाक बह रही है, आया नीचे उतार। गाइस हम आ रहे हैं, सामने जा रही है रांची नई दिल्ली, ये देखो रांची जा रही है ट्रेन, ये देखो सफ़र, देखो बहुत ही यार, मतलब रुक रुक के अभी तक सोचो इलाहाबाद नहीं पहुंचा, अब 10 बज चुके हैं, उस टाइम मैंने बताया था ना कि 7 बज रहे 8 बज रहे, और अभी देखो 10 बज चुके हैं और अभी भी मतलब इधर रुक रही है, हर 50 मीटर पर रुक जा रही है गाड़ी, तो यार बड़ा ही बुरा हाल है गाड़ियों का नॉर्थ इंडिया में तो काफ़ी ज़्यादा, बिल्कुल ही जेन्युइन तरीके से भाई। देखो फिर रुकने के लिए यार, फिर अभी स्टार्ट हुई है, अभी स्टार्ट हुई है और फिर रुकना है इसे, अरे भाई सारे वेंडर्स, लोकल वेंडर्स, सिगरेट गुटके वाले जो लोग, कम से कम ये देखो फिर रुकी रुकी रुकी, अभी 50 मीटर हुआ भाई चलने में, ये रुक जाएगा, ये रुको। ये देखो रांची गरीब रथ एक्सप्रेस, रथ एक्सप्रेस रुक गई और अब हमारी महाबोधि भी रुक जाएगी ऐसा लग रहा है, होप सो। हमारी तो पहाड़ 50 मीटर में, अभी 50 मीटर भी नहीं हुआ है ऐसा लग रहा है रुक गई फिर से। भारतीय रेल के सामने सब है फेल, ये देखो गाइस, ये देखो दिखाता हूँ मैं कि भाई गाड़ी देखो इधर से स्टार्ट हुई थी और फिर देखो इधर रुक गई है, ठीक है, और ये देखो पहले 50 मीटर भी नहीं चल रही है और रुक जा रही है यार, इलाहाबाद सुबह 8 बजे सेट के हुए हैं और अभी 10 बज गए फिर भी नहीं पहुँचे। जिन पे क्या कहना चाहता है भाई लेट के बारे में, भलो ना बताओ ना यार, लेट हो गए कैसे हो गए, लेट कैसे हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कहाँ जाना है, जाना है गया, गया क्या करने, दर्शन के लिए जाना है, किसका दर्शन, वो दलाई लामा का दर्शन, दलाई लामा बुद्ध भगवान का नहीं जी, बुद्ध भगवान का, हाँ दर्शन के लिए जाना है। ये हमारे दोस्त अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, खास गया जा रहे हैं और महाबोधि एक्सप्रेस, और इनको लेट लेट हो गया जी, लेट कर रही है भाई गाड़ी बहुत ज़्यादा, 18 घंटे लेट चल रही है और हमारा सफ़र इस जिनपिंग के साथ कट रहा है और यही रह गई है ज़िंदगी, और देखो अभी क्या पता है शाम हो जाए रात हो जाए, कोई नहीं पता कि कब पहुंचेंगे, तो देखना बने रहो। देखो सारा देख रहो पीछे, मतलब ऐसे ही रुकना पड़ रहा है, ऐसे ही घूमना पड़ रहा है, कितना बैठे यार सीट पे, बोर हो जा रहे भाई के अंदर ही बैठे बैठे, मतलब थक जा रहे। चलो चलते आगे, देखते कितना लेट होता है। जिनपिंग ना जिनपिंग हाय कर दो, बोलो सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब हाँ यार तो क्या बोलता है। फाइनली इलाहाबाद जंक्शन पहुंच चुके हैं, प्रयागराज, मतलब प्रयागराज जंक्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा मुशक्क़त के बाद, हर 50 मीटर रुकने के बाद फाइनली हम इलाहाबाद प्रयागराज जंक्शन पे उतर चुके हैं, उधर मतलब उतर के दिखा रहा हूँ मैं, फिर अभी आगे गया जाना है और आगे देखते हैं कि अब आगे कितना टाइम लगेगा भाई, उसका कोई पता नहीं। अब प्रयागराज तो पहुँच गए, सुबह 3 बजे से आसपास भटक रहे थे और आके हम पहुँचे हैं कितने बजे भाई, 10 बज रहे हैं, 10 बजे पहुँचे प्रयागराज, जबकि हमें कब का ये अनचित। आप देखते हैं कि मुगलसराय पहुंचने में कितना टाइम लगता है और गया कितने देर में पहुँचते हैं, यानी ना कि रात हो जाए इधर ही, चलते हैं दिखा। भाई हमारी गाड़ी इतनी लेट हो चुकी है ना कि भाई देख रहे हो पानी भी खत्म हो चुका है ट्रेन का, देखो बंदे बाहर से भर रहे, देखो ये देखो बाहर से चपाकल लाओ चाचा पकड़ लूँ, मतलब देखो कहाँ से पानी भर के ला रहे हैं कि खाना बन सके नाश्ता बन सके, क्योंकि भाई 18 घंटे लेट हो चुकी है गाड़ी, देख रहे हो भाई बंदे, देखो पब्लिक बाहर है,
पानी बिल्कुल ही खत्म, पानी बिल्कुल ही खत्म हो गया है। देख लो कहाँ से भर के लाना पड़ रहा है भाई पानी। अब मुगल सराय में, मुगल सराय पहुंचे तो गाड़ी भाई पानी भर रहे हैं। पूरे पीछे देखना यार, मेरा लग गया सब। बड़ा ही बुरा हाल है यार, इतना ज्यादा लेट। चलो उतर के चलते, पीछे भी रेड लाइट है। चलो भाई चलो नीचे उतर जाओ, ड्राइवर देख लिया होगा पानी भरा जा रहा है। ये देखो भाई साहब, पूरा दिन बीत गया ट्रेन भाई, लेट ही लेट होते जा रहे हैं, बहुत ही लेट है यार। ये देखो देख रहे, पानी भर के लेके जाएंगे तब इसके बाद खाना बनेगा, क्योंकि गाड़ी का तो टाइम सुबह 4 बजे का था ना, सुबह 4 बजे उतरना था तो। पर अब भाई इतना ज़्यादा ओवर लिमिट होगी कि मतलब मुगल सराय नहीं पहुँचे, मतलब दीनदयाल उपाध्याय, तो इस वजह से ना मतलब पानी वानी सब कुछ खत्म हो गया और भरा है, मतलब भरेगा भी उधर ही दीनदयाल उपाध्याय पे। पर इससे पहले यार सबको भूख भूख लग गई कि टाइम हो गया, तो अब चलते देखते हैं यार कैसे चल जाए, बस पहुंच जाए कैसे भी। चलते हैं, बने रहना मेरे साथ। हमारी गाड़ी लेट हो रही है, अभी भी नहीं पहुँची भाई, 3 बज गए हैं, शाम हो रही है पर अभी भी गाड़ी मुगल सराय नहीं पहुँची। पर हमें हमारी अम्मा मिल गई है, दादी, वो भाभी, क्या कहो, क्या कहना चाहिए, आंटी जी कहो, क्योंकि अभी अम्मा लायक है नहीं, दादी लायक है नहीं, जवान है। जवान है, देख सकते हो अभी जवान है हमारी अम्मा। और तो गाना भाई सब बेहतरीन फैन हो जाओगे ये गाना सुन। अरे बंधन है प्यार का कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जइयो कहां है हजूर। हमारा सैरब जा रहा है, हमारी ट्रेन फाइनली गया, पहुंचने वाली है 2 मिनट में। और हमारे सैरब को देखो कैसे बांध के ले जा रहे हैं, कि क्योंकि बहुत ज़्यादा बदमाश है। देखो इसको गमछा वमछा सबसे लपेट के, ताकि ये बदमाशी करता ना, इसलिए तो अभी इसको छोड़ना नहीं है, छोड़ना नहीं है ना, इसलिए इसको बांधा है ना, टाटा कर दो, बाय टाटा, बाय बाय, शकल तो दिखा दे, बाय 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 सैरब, बाय बाय, तुझे ऐसे ले जाएंगे, देखो बांध के ले जा रहे से, देखो ऐसे टाटा, ये सारा बंद के जा रहा है। देखो भाई चलते फाइनली पहुंचने वाले भाई 2 मिनट में। भाई रात हो गई है, कल के 12 बजे के निकले हुए और आज मतलब 8 बजे रात को पहुंचे गया, तो चलते हैं गाइस बाहर और देखते हैं कैसा मौसम है गया का। चलो चले सर, अब बाय टाटा, बाय पुष्पा, पुष्पा बोल दे, पुष्पा राज झुकेगा नहीं, हाथ मिल रहा, हाथ मिल, हाथ मिला हाथ, और हेलो बाय, बोलो पुष्पा राज एक बार बोल दे, झुकेगा नहीं। फाइनली भाई हम गया पहुंच चुके हैं और जैसे जा रहा सरफ, सरफ बाय 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 बाय, तो हम जा रहे हैं भाई, सारे ये हमारे फ्रेंड थे तो चल रहे हैं, सारे जा रहे हैं। से चिमोर, चिमोर, चिमोर कहाँ गया, चिमोर कहाँ गया, चिमोर चिमोर बाय 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 कर दो, बाय 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 सब, सी यू सी यू, बाय बाय जमुर जमुर, बाय बाय। तो गाइस फाइनली गया जैक्सन, आ चुके हैं हम, ये देखो, और बहुत ही लंबे समय के बाद अब चलते हैं। देखो भाई गया जंक्शन आ गए, बाहर आ गए गया जंक्शन के, और यार इस वक्त मुझे बहुत मतलब 9 बज गए, तो यार घर से मतलब गाड़ी वाड़ी आने के लिए बोल रहे थे, पर हम क्या यार 20 किलोमीटर दूर क्यों परेशान नहीं कर, मतलब हम तो परेशान हो ही रहे, फिर वो भी परेशान होंगे ठंड में, तो हम कह रहे हैं कि भाई अब सुबह जाएंगे, सुबह इधर ही आसपास कहीं होटल देखते हैं कोई सस्ता सा और इधर ही रुकते हैं और इसके बाद घर चलेंगे सुबह सुबह। और अभी ये तो यार खैर अपना शहर, इधर नानी का भी घर है, चाचा भी रहते हैं, पर अपना इधर ही रहेंगे, किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना, और अपना इधर ही गुजारेंगे स्टेशन के पास कोई से होटल में, तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में गाइस। आज का ब्लॉग इधर ही एंड करता हूँ, होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो और मज़ा आया हो, तो करते हैं गाइस।
रात को तो होटल में रुक गए थे, अब सुबह होते के साथ ही मतलब 5 बजे वाली ट्रेन पकड़ के और अपने मतलब गाँव आ चुके हैं। और ये रहा भाई अपना, ये अपना सारा, ये देखो ये अपना घर हो गया। चलते हैं अंदर। ये देखो दादी आ गए थे सुबह 5 बजे ही, और ये हमारी दादी है। और ठंड में अभी बिल्कुल ठंड है ज्यादा, तो अपने रजाई में घुसी हुई है। सॉरी मैया। चलो ये चाची जा रही है पूजा करने। इसको जी पूजा सकरात है जी। ये बाप, ये देखो ये घर अपना। ये बड़ी चाची और अपना घर यार। हाँ भाई आ गए फाइनली, आ चुके हैं अपने घर। अपना घर चलते छत पे, चलते हैं छत पे और दिखा दो छत का क्या। छत पे चलते हैं। चलो म्याऊ आ गई म्याऊ। ये अपनी छत, पूरी छत है अपना गांव। अभी सूरज देख रहे हो, फॉग बहुत है फिर भी सूरज निकल गया है। तो खेत वेत है, खेत वेत की साइड चलेंगे थोड़ी देर बाद सुबह। ये देखो पूरा ही अपना गांव सुना उसे। ये देखो अभी दिख नहीं रहा खेत वेत पूरे, चलो दिखाऊंगा मैं अच्छे से। तो चलते हैं गाइस और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू।